डोबरनियर और न्यूलैंड्स के ऑक्टेव लॉ के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था वो था मेंडेलीफ, ठीक है। और मेंडेलीफ एक पहला साइंटिस्ट था जिसने एक टेबल में एक सिस्टमेटिक तरीके से पीरियडिक टेबल को अरेंज किया, ठीक है। तो उस टाइम तक बहुत, यूं मान लीजिए कि उस समय तक 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, तो उस एलिमेंट को उसने एक पीरियडिक टेबल में जमाया, एक टेबल बनाई जिसको आज हम पीरियडिक टेबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि मेंडेलीफ ने जो एलिमेंट जमाए तो ही अरेंज एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो ये पूछा जाए कि मेंडेलीफ की पीरियडिक टेबल किस पे बेस्ड है, तो एटॉमिक मास पे बेस्ड है। और एटॉमिक मास में जमाने के बाद इसने क्या ऑब्जर्व किया कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, यानी कि इसने उसके आधार पे बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसने क्या पाया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इस लाइन का मतलब यह है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, ठीक है ना, इन पीरियडिक टेबल, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, ही अरेंज एलिमेंट इन ए टेबल, ठीक है। और टेबल में जब वो अरेंज कर रहा है एलिमेंट को, तो वो दो चीजों को डिफाइन कर रहा है, पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड क्या है, ये वाली चीज, ठीक, यानी पीरियड इज हॉरिजॉन्टल रो, एंड ग्रुप नीचे आ रहे हैं तो इसको हम ग्रुप बोल रहे हैं, वर्टिकल कॉलम, ठीक। तो इसने डिफाइन किया पीरियड एंड ग्रुप। और इसने क्या किया कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट रखे इनकी प्रॉपर्टीज लगभग मिलती जुलती थी, या हम ये कहें कि जमाने के बाद इसने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। तो इसके आधार पर इसने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। तो ग्रुप में लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे कि हाउ मेनी पीरियड्स वर देयर, तो देयर वर 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। किसकी पीरियडिक टेबल में, मेंडेलीफ, जिसने मेंडेलीफ ने जिस पीरियडिक टेबल को प्रपोज किया उसमें 7 पीरियड 8 ग्रुप्स है। अब हम बात कर रहे हैं मेरिट्स क्या थी इसकी। तो पहली मेरिट तो यही थी कि दिस वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिक अप्रोच, फर्स्ट सिस्टमेटिक अप्रोच टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक। यानी पहला साइंटिस्ट मेंडेलीफ ही था जिसने बहुत अच्छे तरीके से एक टेबल बना के एलिमेंट्स को जमाया, ठीक। इसके बाद दूसरा जो उसका मेरिट था वो ये था कि ही लेफ्ट सम प्लेसेस वैकेंट फॉर एलिमेंट विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। इस लाइन का मतलब क्या है कि उस टाइम में उसने क्या किया, अपने पीरियडिक टेबल में कुछ जगह छोड़ी और उसने ये आइडिया लगाया कि यहां पर एक एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले एलिमेंट से मिलती जुलती होगी, ठीक है ना। तो इसने अपने आप ही प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक्स एलिमेंट है, ठीक है, अब एक्स एलिमेंट है और उसके बाद जेड एलिमेंट मास के हिसाब से यहां आ रहा है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी वाई से मिलती जुलती है, ठीक है। अब जेड को इसने उठा के यहां नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि जेड को अगर ये यहां रखेगा तो प्रॉपर्टी इनकी मिलती जुलती होगी, ठीक है। तो इससे ये पता लग गया कि यहां पर कोई एलिमेंट है जो कि बाद में डिस्कवर होगा तो हम यहां पे रख देंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, एलिमेंट को जमाते समय इस बात का ध्यान रखा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में वही एलिमेंट आने चाहिए जिनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। तो अगर उस मिलती जुलती प्रॉपर्टी का एलिमेंट नहीं है, उससे आगे वाले ग्रुप में है, तो उसने उस ग्रुप में जमा के ये जगह खाली रखी। इससे हमें ये पता लगा कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट यहां पे आने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, ठीक। तो देखिए मेरिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो मेरिट में व्हाट ही डिड कि कुछ एलिमेंट थे जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है, इनकी डिस्कवरी हुई बाद में। तो मेंडेलीफ ने क्या किया कि ये जो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होने थे इनका नामकरण पहले कर दिया। इसने ए का वर्ड लगा के, जैसे बोरोन के नीचे एक एलिमेंट आएगा जो कि वैकेंट है, तो इसने क्या किया, बोरोन के नीचे का एक एलिमेंट, एल्यूमिनियम का नीचे का, जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पे जो है
स्केंडियम की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, तो उसको एका बोरोन नाम दिया है इसने। एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह खाली रखी, उस एलिमेंट का नाम इसने क्या करा, एका एल्यूमिनियम। और इसने बोला कि ये एलिमेंट जो है एका एल्यूमिनियम होगा फ्यूचर में, जो कि यहां आने वाला है। तो गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय, ठीक। फिर इसने क्या किया, सिलिकन के नीचे एक जगह छोड़ी और उस एलिमेंट का नामकरण कर दिया एका सिलिकन। जिस एलिमेंट को बाद में डिस्कवर करके क्या नाम दिया गया, जर्मेनियम। एका एल्यूमिनियम को बाद में नाम दिया गया गैलियम। तो इसकी प्रेडिक्शन क्या थी कि एका एल्यूमिनियम जो कि बाद में जर्मेनियम बना, एका एल्यूमिनियम का मोलर मास होना चाहिए 68। तो प्रैक्टिकली बाद में इसकी डिस्कवरी लगभग इसके पास ही। इसने कहा कि इसका ऑक्साइड E2O3 टाइप का होगा, बाद में पता लगा गैलियम का ऑक्साइड Ga2O3 है। इसका क्लोराइड ECl3 टाइप का होगा, बाद में पता लगा कि GaCl3 होता है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन था कि इसकी पीरियोडिक टेबल में नीचे एलिमेंट की जगह खाली थी, जो कि उसकी डिस्कवरी में बाद में मदद किया कि इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी का एलिमेंट यहां आएगा। तो क्या किया गया, जैसे ही डिस्कवरी हुई उसको उठा के यहां पर रख दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट इसका यह था कि इनर्ट गैस की डिस्कवरी मेंडेलीव के समय तक नहीं हुई थी, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस वर डिस्कवर्ड लेटर, ठीक है। पर जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उनको एक नए ग्रुप में जमा दिया गया लास्ट में, और बिना किसी ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है। तो एक ये था कि जैसे डिस्कवरी हुई देवर प्लेस इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग ऑर्डर। तो इसने लास्ट में जीरो ग्रुप में इनर्ट गैस के लिए जगह छोड़ दी, जो बाद में जैसे डिस्कवरी हुई इनर्ट गैस को वहां पर रख दिया गया। तो जो टेबल का ऑर्डर था वो टेबल का ऑर्डर एज इट इज रहा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें कमियां क्या थी, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या थे, क्या कमियां रही। तो पहली कमी तो ये थी कि नो फिक्स्ड पोजीशन टू हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में इसने अनसर्टेनिटी बना के रखी, ठीक है। यानी हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसको हम एल्कली मेटल के ऊपर भी रख सकते हैं और हैलोजन के ऊपर भी रख सकते हैं। कारण क्या है कि प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू बोथ एल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन हैलोजन्स, ठीक है। अब देखिए एल्कली मेटल तो मेटल है और हैलोजन जो है नॉन मेटल है, तो कायदे से हाइड्रोजन की जो पोजीशन आनी चाहिए वो नॉन मेटल हैलोजन के ऊपर आनी चाहिए। जैसे हैलोजन -1 स्टेट शो करते हैं वैसे हाइड्रोजन भी -1 आयन बना सकता है, तो इसको मैं हैलोजन के ऊपर भी रख सकता हूं और नॉन मेटल भी है, दोनों नॉन मेटल। अगर मैं इसको एल्कली मेटल के ऊपर रखने जाऊं तो एक अंतर यह आ जाएगा कि ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन, जबकि लिथियम जो है वो मेटल है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बट चूंकि दोनों +1 आयन बनाते हैं बहुत पॉपुलरली, लिथियम शोज +1 स्टेट, हाइड्रोजन ऑल्सो शोज +1 स्टेट, तो इसको हम एल्कली मेटल के ऊपर भी रख सकते हैं, हैलोजन के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी दोनों से मिलती जुलती है। इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। सो नो फिक्स पोजीशन वॉज गिवन टू हाइड्रोजन, दिस इज लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। पहली लिमिटेशन, ये लिमिटेशन ये है। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि नो सेपरेट पोजीशन वॉज गिवन टू आइसोटॉप, यानी कि जब हम बात करते हैं कि आइसोटॉप को जो है कोई सेपरेट पोजीशन दी जाए, ठीक है, क्योंकि आइसोटॉप होते क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब हाइड्रोजन नेचर में 3 आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसको मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में जमाना चाहूं तो इन तीनों को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। बट मेंडेलीव ने क्या किया कि उसने इनको अलग स्थान नहीं दिया। तो जो ये रूल बोलता था कि एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, उस रूल को इसने वायलेट किया खुद ही। तो यानी कि नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन टू आइसोटॉप व्हिच वेदर व्हाइल देयर एटॉमिक मास वाज डिफरेंट। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो रहा है। सेकेंड, तीसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि ही प्लेस्ड आर्गन बिफोर पोटेशियम व्हाइल एटॉमिक मास ऑफ आर्गन इज मोर देन पोटेशियम।
आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40 और पोटेशियम होता है 39। अब जब ये बोल रहा है कि एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट जमाने हैं, तो कायदे से ये होना चाहिए था कि पोटेशियम पहले आना चाहिए था और आर्गन बाद में आना चाहिए था, लेकिन आर्गन इसने पहले रख दिया। अब क्यों रखा उसका लॉजिक बताता हूं कि अगर मैं हाइड्रोजन हीलियम नियोन ठीक है उसके बाद आर्गन के बारे में बात करें, इधर अगर मैं देखूं तो सोडियम ठीक है यहाँ पे एल्कली मेटल में सोडियम और उसके बाद यहाँ पे जो है इधर आ जाए अपन लिथियम सोडियम पोटेशियम। अब आप समझिएगा कि क्या एक्सेप्शन है वो बता रहा हूँ। ठीक है ये बीच में दूसरा एलिमेंट है, ये पहला ग्रुप है ठीक है और ये लास्ट ग्रुप है। अब हुआ ये कि एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आर्गन की पोजिशन और पोटेशियम की पोजिशन ऐसा होता है कि बढ़ते समय इधर बढ़ते हुए ऑर्डर में बढ़ना है, फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे। अब जब पोटेशियम का मोलर मास कम है तो वो यहां आना चाहिए था, किस पोजीशन पे, यहां पे, और आर्गन आना चाहिए था यहां पे, लेकिन इसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी है वो मिलती जुलती है सोडियम से और ग्रुप का प्रिंसिपल है कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक ग्रुप में आने चाहिए। इधर हम देखें आर्गन तो इनर्ट गैस से मिलती जुलती नॉबल गैस ही है, तो आर्गन अगर मैं इधर रख देता और पोटेशियम इधर रखता तो गड़बड़ हो जाती है क्योंकि प्रॉपर्टी मिसमैच हो जाती है। तो इसके रूप में इसने अपने ही रूल का वायलेट इसलिए किया क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी में डिसिमिलरिटी आ रही थी। तो हम क्या एक्सेप्शन है कि ही प्लेस्ड आर्गन बिफोर पोटेशियम व्हाइल एटॉमिक मास ऑफ आर्गन इज मोर देन पोटेशियम, और उसका रीजन है कि आर्गन जो है इसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती है, नोबल गैस से ठीक है, और पोटेशियम किससे मिलता जुलता है, अल्कली मेटल से ठीक है। तो इसलिए फिर इसने अपने ही रूल का वायलेशन किया।